हम आपकी मदद करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे, और अब तो ये निकल कर आया है कि इसलिए भी मदद करेंगे कि आपके खिलाफ बलात्कार और मर्डर के जो केसेस चल रहे हैं उसको विड्रॉ करने में हम आपकी मदद करेंगे। ये बात सामने आई, और ये सब तब हो रहा है जब हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि राज्य व्यवस्था में धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए, धर्म और राज्य व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भाजपा की कई राज्य सरकारें थीं 1992 में उनको बर्खास्त जब किया गया उसको अपहोल्ड किया, ये कह के कि देखिए सेक्युलरिज्म इस देश के संविधान का मौलिक ढांचे का पार्ट, उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, और इसलिए कोई सरकार और कोई दल अगर राजनीति के साथ किसी धर्म का आधार लेता है तो उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि रोज ये हो रहा है, संविधान के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसको बहुत सीरियस करप्ट प्रैक्टिस माना गया है कि अगर आप धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं तो ये एक सीरियस करप्ट प्रैक्टिस है। अगर आप किसी धार्मिक गुरु से या धार्मिक संगठन से डील करते हैं कि भाई आप हमको वोट दे दीजिए, जो कि साफ साफ हुआ पिछले चुनाव में भाजपा ने किया, मोदी जी खुद करने गए थे, उनकी खुद की स्पीचेस है, और उसके बाद ये जो हरियाणा के जो मंत्री और एमएलए वगैरह जो उनके डेरे में गए उनका आशीर्वाद लेने, वो उसका साक्षी है कि ऐसी डील हुई। आप किसी रिलीजियस संगठन से वोट लेने के लिए